एक ही वक्त में इस्लामी स्कॉलर भी, मारूफ सियासतदान भी और न्यूज़ एंकर भी। ये थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिनकी अचानक मौत ने उनके मद्दाहों, उनके प्यारों और वर्सा सबको परेशान किया। यूं तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की सारी ज़िंदगी तनाज़ात में घिरी रही, लेकिन उनके जाने के बाद भी तनाज़ात उनका साथ नहीं छोड़ रहे। अब भी अफवाहें गर्दिश में ये हैं कि क्या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन तबई मौत मरे या उनका कत्ल किया गया। आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन के फौरी बाद ये अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के वक्त के एक्सरे में मुबैना तौर पर उनकी कुछ हड्डियां टूटी हुई थीं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मद्दाहों ने इस बात को बुनियाद बनाते हुए सिटी कोर्ट कराची में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में एसएसपी ईस्ट और एसएचओ ब्रिगेड थाने को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के अचानक इंतकाल की तफ्तीश की जाए और पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन तबई तौर पर इंतकाल हुए या उनका जो अफवाहें गर्दिश में हैं उनके मुताबिक मुबैना तौर पर पुरसरार कत्ल हुआ है। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि जायदाद के तनाजे के लिए और जायदाद पर कब्जे के लिए किसी फरीक ने उनका मुबैना तौर पर कत्ल किया है। यूं अपनी सारी ज़िंदगी तनाज़ात में गुजारने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरने के बाद भी तनाज़े की लपेट में आ गए।